हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं टमाटर का सूप जो हेल्दी भी है और टेस्टी भी और जट झटपट बन जाए और इसके कोल्ड में भी बहुत सारे फ़ायदे हैं उसको बनाने के लिए हमें चाहिए 500 ग्राम टमाटर और दो हरी मिर्च जिसको धोकर हमने अच्छे से एक प्लेट में निकाल लिया है उसके बाद इसे कट करके हमें कुकर में डाल देना है उसके बाद हमें वन टी सॉल्ट डालना है हमें आधा ग्लास पानी भी ऐड करना है इसमें उसके बाद हमें जिंजर को अच्छे से छीन कर इसमें डाल देना है जिससे कि हमें बहुत अच्छा टेस्ट मिले उसके बाद हमें कुकर को बंद करके लो फ्लेम में सीटियाँ लगाने के लिए रख देना है हमें तीन सीटियाँ लगानी है तीन सीटियाँ लग जाए उसके बाद हमें चेक कर लेना है फ्रेंड्स सीटियाँ लग गई है हम चेक कर लेते हैं हमारे टमाटर पक गए हैं इसके बाद हम इसे ब्लेंड कर लेते हैं यहाँ मैंने छाना नहीं है टमाटर को जिसे प्योरी निकालने के लिए मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है जिससे कि सारे रेसिड्यू हमें बीच बीच में नहीं आते इस तरह क्रश कर लेने से भी अच्छे से हमें क्रश कर लेना है चारों ओर से अच्छे से क्रश हो गए हैं उसके बाद हमें एक कढ़ाई लेनी है जो गर्म हो गई है उसके बाद हमें टू टी स्पून घी डालना है वह घर के लिए घी गर्म हो जाए घी गर्म हो गया है उसके बाद हमें तीन चार लौंग डालने हैं और तच डालने हैं वघार के लिए उसके बाद जो कुकर में हमारा सूप था जो हमने क्रश करके रखा था इसे हमें उसमें डाल देना है जैसे अच्छा सा वघार बैठ जाए उसमें और लो फ्लेम में हमें उबलने देना है हमें चारों ओर से चलाना है जिससे कि वो अच्छे से पक जाए लो फ्लेम में ही हमें उबलने देना है उसके बाद हमें सारे मसाले ऐड करने हैं जैसे कि हल्दी पाउडर लाल मिर्च पाउडर जीरा पाउडर और शुगर टू टीस्पून। जैसे कि हमें अच्छा सा खट्टा मीठा टेस्ट मिले हमें चारों ओर से मिक्स कर लेना है उसके बाद हम सॉल्ट ऐड करेंगे उसके बाद हमें उबलने रख देंगे हमें विंटर में सूप बहुत ही अच्छे लगते हैं और जो झटपट बन जाए वो तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है ये टमाटर का सूप ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना और मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना अच्छे से उबल गया है हमें लो फ्लेम में ही उबालना है उसके बाद हम पत्तों से गार्निश करेंगे ये सूप को। टमाटर के सूप को हमें पांच मिनट तक उबालना है चार ओर से अच्छे से हिलाने के बाद हमें एंड में किचन किंग मसाला डालना है इसमें वन पिंच ही डालना है जिससे कि हमें अच्छा सा टेस्ट मिले विंटर में हमें सूप बहुत ही अच्छा लगता है जैसे कि हमें अच्छा सा गर्माहट भी मिलता है और हमारे शरीर के लिए भी बहुत ही हेल्दी है अच्छे से उबलने लगा है अच्छे से उबल जाए इसके बाद हमें इसे एक पाउल में डालकर गार्निश कर देना है ये लो फ्रेंड्स हमारा टमाटर का सूप बनकर रेडी है अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले